हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अभी ससुराल आई हुई हूँ, इसके पहले वाला ब्लॉग में बताई ही थी। और यह है मेरा ससुराल में मेरा बेडरूम, जो अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि यहाँ का सारा सामान चला गया है। वो जहाँ मैं रहती हूँ रेंट हाउस में, वहाँ पर तो रूम पूरा खाली था और कोई रहता नहीं है, तो साफ़ सफाई भी उतना नहीं था। तो हम लोग सोचे कि चलो क्लीनिंग कर ही देते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि इस रूम से जानते हैं कि बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है लोगों की। तो इसके पापा, सानवी के पापा बोले कि चलो करते हैं सफाई। और यहाँ पे दरवाज़ा था गाइस जिसे बंद कर दिया गया है, तो इसलिए वो दीवार देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, जब यहाँ आकर रहने लगूँगी तो उसे पेंट करके और वहाँ पर अलमारी लगा दूँगी तो ठीक लगेगा। तो बस मेरे हस्बैंड दीवार धो रहे, क्योंकि रूम पूरा खाली है तो मौका मिल गया है धोने का, तो वो दीवार धो रहे थे। और मैं इधर जो रेक था साथ रूम में, उस रेक पर बहुत सारे कुछ कुछ सामान था, तो वो सब सामान को मैं अभी नीचे एक बास्केट में निकाल रही हूँ और इसे ले जाके उधर साइड में उसे सब साफ़ करूँगी। तो मेरा बेडरूम छत पर है, छत पर एक सिंगल बेडरूम ही है और बाथरूम है, तो बाथरूम साइड में है, रूम में अटैच नहीं है। और एक छोटा सा बरामदा जैसा ही है। तो फिलहाल तो रूम सफाई हो रही है, तो सारा सामान मैं अभी निकाल के ले जाऊंगी छत पर, उधर बैठ के साफ़ करना पड़ेगा, फिर वापस ले आकर रूम में ही रख दूंगी मैं। तो बस देखिए आप लोग क्लीनिंग। तो दोस्तों देखो, अभी मैं छत पे आ गई हूँ सारा सामान को लेके बाहर, और सर्फ़ और सिंपल पानी साथ में ली हुई हूँ। जो ज़्यादा धूल डस्ट लगा हुआ है गंदा जैसा है, उसे पहले सर्फ़ के पानी से पोछ रही हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद मैं साफ़ पानी से साफ धो दे रही हूँ जो धोने वाले चीज़ है वो, और जो धोने वाले नहीं है उसे बस ऐसे ही कपड़ा को गीला करके और थोड़ा थोड़ा पोछ दे रही हूँ। तो काफ़ी टाइम लग गया था इससे, और रूम का धोना भी चल रहा है, मेरे हस्बैंड ही धो रहे हैं, क्योंकि मैं इधर ये सब साफ़ करने में लगी थी तो वो दीवार को धोए थे, और उसके बाद फर्श को भी वही धो दिए थे। आज पूरी तरह से मेरे से ज़्यादा वही लगे हैं इस काम में। तो बस अभी तो फ़िलहाल मुझे ये सब करते हुए काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि छोटा मोटा बहुत सारा सामान था। हालांकि यहाँ तो बहुत कम है देखा जाए तो, वहाँ तो बहुत हो गया है जहाँ रहती हूँ मैं, बट फिर भी देखने में लग रहा था कि कम है। जब साफ़ करने बैठी तो ऐसा लग रहा है काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। और काफ़ी लेट भी हो गया था, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं छत पर आई थी अपना रूम को क्लीनिंग करने के लिए, तो खाना बनाते बनाते भी वक्त लग गया था। उसके बाद क्लीनिंग करके फिर शाम नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, तब जाकर फिर हम लोग नहाए और खाना खाए थे।
फ्रेंड अभी हम लोग दोपहर का खाना खाने बैठे हैं, तो दोपहर के खाने में मैं बनाई हुई थी चावल दाल और आलू लोबिया बीन्स की सब्जी थी और चना चूर मिक्सचर था और इधर से पापड़ भी है। और माँ जी बनाई थी दाल का पकौड़ा वाला सब्जी, वो बनाई थी एक्स्ट्रा। तो गाइस दोपहर का लंच हो चुका है हम लोग का और हस्बैंड मेरे यहाँ सो रहे हैं, पंखा चला लिए ऊपर, देखिए पंखा कपड़ा इग्नोर करिएगा, सूखने के लिए डाला हुआ है, तो यहाँ वो सो रहे हैं और शानू को देखिए अपने दादी के साथ खेल रही है। हम खा जाएंगे इसको। नहीं मैं खा जाऊंगी। ये किसी के लिए नहीं है, ये बाबू थोड़े खाता है, वो तो सिर्फ दूध पीता है। तो ये छोटी माँ को दे दूँगी। छोटी माँ खाएगी और दूध पिलाएगी तो बाबू को घूमने चल जाएगा ना। चॉकलेट भी दूँ? हाँ चॉकलेट भी दूँ बनती है। ठीक है। हाँ चॉकलेट दूँ। चॉकलेट? तो एक बार देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ दे देती। চিনি ওখানে মশা লাগতে লাগলো দেখো। এবার কাম হচ্ছে আস্তে আস্তে চা খেতে দিয়ে গেছে। এবার দেখবো মশা কত ঢুকবে চারিদিকে। ছিল এই তো আছে এখানে একটা पतला चेन है ना, येलो कलर का चेन है, बैग के ऊपर येलो चेन है, वो चेन को खोलेगी उसमें लाल रेड कलर का सॉक्स ढूंढा ले ऊपर नहीं देखिए गाइस सांडी यहाँ सिर्फ और सिर्फ बदमाशी कर रही है और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ परेशान ही परेशान कर रही है। एक तो पूरा नीचे फर्श मार्बल ठंडा लग रहा है और लगता है इसका नाक गीला शुरू हो गया है, होना नाक गीला हो रहा है और स्लीपर पहनने का नाम नहीं ले रही है, इसीलिए इसको मैं सॉक्स पहना दी हूँ ताकि इधर उधर भागेगी भी बिना चप्पल के, तो कोई बात नहीं है।